उपमंडल सलोनी की राजकीय माध्यमिक पाठशाला जखराल में एक मातृ अध्यापक के तबादले के बाद अब बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसे अब उधारी के अध्यापक से स्वर्ण का प्रयास किया जा रहा है। पर अब बच्चों के अभिभावकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। वहीं इस गांव में सभी ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी इस पाठशाला में अति शीघ्र उधारी के अध्यापक की नहीं बल्कि स्थायी अध्यापक की तैनाती की जाए। बताते चलें कि कुछ वर्ष पूर्व ये जखराल स्कूल प्राइमरी की श्रेणी में था। वहीं इस स्कूल को वर्ष 2015 में इस स्कूल का दर्जा बढ़ाकर राजकीय माध्यमिक पाठशाला कर दिया गया। इस स्कूल का दर्जा बढ़ने के बावजूद भी इस स्कूल में एक से अधिक अध्यापकों की तैनाती नहीं हुई है। बताते चले मौजूदा दौर में देखा जा सकता है कि जखराल के इस स्कूल में अभी भी 25 से 30 छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले इस स्कूल को चला रहे इस उधारी के अध्यापक का भी तबादला इस स्कूल से कर दिया गया। अब इन मासूम बच्चों को पढ़ाए तो कौन पढ़ाए। हम आज सब एकत्रित हुए हैं यहाँ एक चिंतनीय विषय लेके कि हमारे अध्यापक, एक ही अध्यापक थे यहाँ स्थायी टीचर हमारे अध्यापक जी, उनका भी तबादला हो गया है जी। तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है हमें। 2015 से ये स्कूल अपग्रेड हुआ था जो कि 2019 चल रहा है, और तीन अध्यापक आए और आया राम गया राम हो गए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि भाई अगर ऐसा ही प्रथा चलानी है तो इस जखराल स्कूल को बंद किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य से ना खेला जाए। मेरी यही प्रशासन से भी मांग होगी, सरकार से भी यही मांग है कि हमें स्थायी रूप से अध्यापक दें या तो स्कूल अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि इस स्कूली को ताले लगा दिया जाए। जी हम राजकीय प्राथमिक पाठशाला माध्यमिक पाठशाला जखराल में जो SMC की गोष्ठी के हिसाब से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें यही पता चला या है कुछ कि हमारे यहाँ मास्टर की जो है तब्दीली हो गई है और हमारे यहाँ जो 25-30 के करीब बच्चे हैं उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है और वार्षिक परीक्षाएं भी उनकी आ गई हैं और हमें यहाँ जो है मास्टरों की बहुत कमी है और हमें प्रशासन से यही मांग करनी भी है और करेंगे भी कि हमें जो है यहाँ मास्टर अध्यापकों की जो है कमी है उनको पूरा किया जाए और बच्चे को भविष्य को थोड़ा उसमें वो करें।